वेलकम टू अवर चैनल हबी एंड वाइफ रिएक्शन। मैं हूँ रिंकी। मैं हूँ संजय। और आज का हमारा टॉपिक है जो ब्रिटानिया कंपनी जिसके प्रोडक्ट हम लोग रोज घर में खाते हैं और उनको इतनी नॉलेज नहीं थी कंपनी के बारे में, डेली यूज करते हैं। आज वीडियो उसी के ऊपर है जो बिस्टक वालों ने रखी, तो आज देखते हैं उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं कौन सी कंपनी का ये हुई थी, इन्वेंट हुई थी। तो आज का वीडियो उसके ऊपर ही, आइए देखते हैं। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ कर जाने का जुनून है तो फिर आप छोटी से छोटी शुरुआत को भी बड़ा अंजाम दे सकते हैं। और आज की हमारी ये कहानी भी एक ऐसी ही कंपनी के बारे में है जिसने सिर्फ 295 रुपए के साथ शुरुआत करके खुद को एक सर्वश्रेष्ठ कंपनी बना लिया। और छोटे से घर से शुरू हुई ये कंपनी आज 60 से ज्यादा देशों में अपने लाजवाब बिस्किट और डेयरी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हम सब के बीच काफी जानी मानी कंपनी ब्रिटानिया के बारे में, जिसकी शुरुआत आज से कई दशक पहले ही हो चुकी थी। लेकिन एक कमरे से शुरू होकर इस कंपनी ने किस तरह से 60 से भी ज्यादा देशों में अपनी प्रोडक्ट्स के जरिए राज किया, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कई दशक पहले 1892 से। ब्रिटिश बिजनेसमैन के ग्रुप ने सिर्फ 295 रुपए के निवेश के साथ इस कंपनी को शुरू किया था। शुरुआती समय में ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बिस्किट बनाया करती थी, जिसका उत्पादन सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में हुआ था। हालांकि जब इसकी शुरुआत की गई थी तब इसके फाउंडर्स को ये पता बिल्कुल भी नहीं था कि छोटे से घर में शुरू की गई कंपनी 100 साल से ज्यादा समय तक चल पाएगी। लेकिन इसकी बेहतरीन क्वालिटी और कम रेट की वजह से बहुत ही तेजी से ये मार्केट में फैलने लगी थी। और फिर आगे चलकर भारतीय लोगों ने जब आजादी के लिए जबरदस्त लड़ाई शुरू कर दी, तब ब्रिटिश बिजनेसमैन ने कंपनी को किसी भारतीय को बेचना ही सही समझा और गुप्ता ब्रदर्स ने ब्रिटानिया को खरीद लिया। भारत 1947 में आजाद हो गया, जिसके बाद भी कंपनी की लोकप्रियता बढ़ती ही गई और बिस्किट सेगमेंट का ज्यादातर मार्केट शेयर अब ब्रिटानिया के पास ही था। और फिर इसी तरह आगे चलकर इसका 1989 में इसका नाम बदलकर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। हालांकि इस कंपनी की ओनरशिप कई बार बदली है, इसकी वजह से इसे कई सारी मुश्किलों से भी गुजरना पड़ा। और राजन पिल्लाई और नुस्ली वाडिया के बीच मालिकाना हक के लिए एक लंबी लड़ाई भी चली थी। हालांकि राजन पिल्लाई की मौत के बाद से ब्रिटानिया का पूरा कंट्रोल नुस्ली वाडिया के पास चला गया और इसी तरह से कंपनी को भी कई दशकों तक कई सारे विवादों से जूझना पड़ा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो भी लोग इस कंपनी के मालिक हुए उन्होंने कभी भी इस कंपनी की लोकप्रियता कम होने नहीं दी। और यही वजह थी कि कंपनी के अंदर कई सारे विवाद थे लेकिन इसके प्रोडक्ट में कभी भी कोई कमी नहीं आई। और 1998 से 2001 के बीच ब्रिटानिया की सेल 16% की दर से बढ़ी थी, जो कि दूसरी कंपनियों के मुकाबले बहुत अधिक थी। अभी के डेटा को देखा जाए तो कंपनी 27% दर से हर साल बढ़ती चली जा रही है और यह आंकड़े कंपनी की सफलता को साफ साफ दर्शाते हैं। और ब्रिटानिया अब केवल बिस्किट ही नहीं बल्कि ब्रेड और डेयरी प्रोडक्ट्स की तरह ही कई सारी चीजों की डील करती है। ब्रिटानिया यूं तो देश की सबसे पुरानी कंपनी है, लेकिन आज भी मार्केट के हिसाब से उसने अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा अपग्रेड किया है और नए जमाने के हिसाब से ही तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके प्रोडक्ट के टेस्ट को और ज्यादा बढ़ाया है। आज के दौर में जो लोग कुछ समय बाद हताश होने लगते हैं उनके लिए ब्रिटानिया प्रेरणा है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने आप को हमेशा बदलते रहना चाहिए, नए नए प्रयोग करते रहने चाहिए, तभी तो आप भी दुनिया के तमाम सफल लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। तो दोस्तों, आज आपने देखा, हमने ब्रिटानिया कंपनी के बारे में रिएक्शन दिया है जिसकी हमें ये नॉलेज ही नहीं थी कि ये इतनी पुरानी कंपनी है। 1892 में इसका इन्वेंशन हुआ है, 295 रुपीज से। हालांकि आज इसकी वैल्यू 5-6 करोड़ होगी, आज से देखा जाए तो रेशो का उतना वैल्यू होगी आज के। और 60 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी होता है, इसका भी हमको नहीं था पता था इतना कंट्रीज में ये यहाँ का जाता है ब्रिटानिया का प्रोडक्ट्स। हम कब से इसके प्रोडक्ट्स यूज करते आए हैं, रेगुलर यूज में हम ब्रिटानिया यूज करते हैं, हमें तो काफी अच्छे लगते हैं। और अच्छा लगा देख के नॉलेज।
होनी चाहिए हर चीज़ की। जैसे देखा हमने बिस्टेक में एक प्रोडक्ट इस ब्रिटानिया के बारे में, तो हमने सोचा इसके ऊपर एक्शन देते हैं। तो आपको कैसे लगा हमारा इस वीडियो के ऊपर एक्शन? तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हमारा ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ शेयर वीडियो, थैंक यू, कमेंट कीजिए।